अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। ये वीडियो मेरे ख़ास तौर पे 62 सब्सक्राइबर्स के लिए, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, कढ़ाई देख के समझ तो गए होंगे कि क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। मैंने एक अंकल की रेसिपी देखी है और मैं उनको देख के बनाने लगी हूँ, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी इस रेसिपी को देख के कोई भी ना बनाए, क्योंकि मुझे ख़ुद कुछ बनाने नहीं आता। इट्स माय फर्स्ट टाइम, लाइक ऑलमोस्ट सेकंड, पता नहीं कैसी बनेगी। तो मेरी वीडियो तो देख के कोई ना बनाए। हाँ, वैसे अगर देखनी है तो देख सकते हैं आप लोग। ये रहा हमारा चिकन, जिस जो रेसिपी मैंने देखी है उसमें जो है उन्होंने 1 kg की बनाई है। नजर आ रहा है वैसे? हाँ आ रहा है। तो इसको मैंने चेक किया अभी, तो ये 1200 ग्राम है। तो एनीवेज इसको हम बीच में डाल देंगे। अब मैं रेसिपी भूल चुकी हूँ, खुलने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये खुलने का जो है नाम नहीं ले रहा। क्या है, मम्मा से कोई वाक्य आई? मम्मा क्या है, खुल ही नहीं रहा। तेज हुई तो उसकी जिम्मेदार मलाइका होगी। उसके बाद ये हमने 1 teaspoon डाला था, मिर्च डाली थी इसको, इतना सा पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हल्दी डाल रहे हैं। और देन वी हैव, मम्मा कह रही है नमक आहिस्ता आहिस्ता रखना है, हल्का नमक हल्का। या तो बहुत थोड़ा है, बस नमक हमने कम ही रखा है गाइस। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने डाले थे 4 टमाटर काट के। रेसिपी पता है मैं किसकी देख रही हूँ, एक अंकल है उनकी देखी है मैंने। मैं फौरी तौर पे जाकर टमाटर लेके आ चुकी हूँ। कैमरा हिली जा रहा है, हिली जा रहा है। एनीवेज ये उसने 4 डाले थे, मैं 5 डालूंगी, मेरा दिल कर रहा है। अब मैं इनको कट करूँगी बीच में से। तो गाइस मैंने टमाटर जो हैं वो पता नहीं मतलब कि ऐसे ऐसे उसने अंकल ने कहा था रखने, पता नहीं ऊपर से काटना था कि नहीं काटना था, बट एनीवेज क्योंकि हमारे घर वाले सब टमाटर 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 शौक से खाते हैं, इसलिए अदर देन दैट वी विल बी एडिंग 1/2 cup ऑफ वाटर। कप में डालें, चलो हम ग्लास से डाल देते हैं। आई थिंक दिस विल बी इनफ। बहुत है। इसके बाद हम डालेंगे अपना मन्ना और ना, उधर डस्टबिन था इसलिए उधर फेंकी है। और हम इसको रख देंगे, मलाई वाला नहीं पसंद तो मैं छान के डालती हूँ, छान के मैं इसे डालती हूँ क्योंकि मलाई से जो है वो आ जाती है, ऑयल आ जाता है चाय पे। अब जी साथ ही हम फौरी तौर पे, सॉरी गाइस मैंने इसका, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, लाइक दिस वुड बी इनफ फॉर मामा एंड मी। मामा जो है वो शुगर पेशेंट है। इससे पहले कि ये जो है वापस आए, आई विल ऐड पत्ती, और ये गिरने लगी है चाय फौरी तौर पे। बट क्या लगता है अभी भी गिर जाएगी? बचत हो गई है। मैंने कहा था कि इसके टमाटरों का छिलका उतर जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, पर मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होता होगा। 5 मिनट तो हो गया। अच्छा ये हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, दूध वाली है मतलब, इट्स लाइक काइंड ऑफ दूध पत्ती। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी मैंने इसकी टमाटोज़ की स्किन उतारनी थी, मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का। पहले 3 टमाटोज़ की स्किन तो बहुत मज़े से उतर गई थी, बाकी जो उसके बाद मैंने कुश्ती की है ना, मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा था और ये नहीं उतरती थी। उसके मैंने एजेस भी नहीं कट किए थे जिसकी वजह से वो हार्ड ही रह गए थे। फिर मैंने उनको खैर निकाल दिया था बाहर, और बहुत सारी मेहनत के बाद मतलब लिटरली इट टुक मी 6 मिनट इसको उतारने में, सिर्फ वो फिर भी सही करके नहीं उतरे थे। तो फिर मैं जब उसको
भून रही थी, मतलब लाइक ऐसे ऐसे कर रही थी, तो तब मैंने साथ साथ उतारी थी इसकी स्किन, लेकिन मुझे बहुत सारा टाइम लगा था। अंकल ने कहा था कि इजीली उतर जाएगी, लेकिन अंकल ने सही नहीं बताया था मुझे, जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब बस मैं इसको मिक्स कर रही थी, टोमेटोज को हमने मैश करना था, ये हो ही नहीं रहे थे, थोड़े से हार्ड थे, बट इट टर्न्ड आउट। ये तो यहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं देता। इसके साथ मैंने बहुत कुछ दी किया, लिटरली ये वीडियो पूरे 6 मिनट की थी, जिसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, फिर भी मेरी बातें तो ख़त्म हो गई थी, मगर ये ख़त्म नहीं हो पा रही थी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर भी अभी तक इसकी स्किन नहीं उतारने में लगी, मैं इसको मिक्स करने में लगी हूँ कि कुछ ना कुछ बन जाए इसका, लेकिन बनने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली ये क्लिप ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम लोगों ने जो था वो इसमें मिर्ची डालनी थी, 3 मिर्चें जो थी मैंने इसको ऐसे ऐसे करके डाल ली थी, मतलब ऐसे ऐसे लाइक पीस के, और इस मुझे लग रहा था फिर इसमें मैंने खैर गरम सूखा धनिया डाला था क्योंकि मुझे पसंद है और रेसिपी में भी था डालना है, और जो मिर्चें मैंने डाली थी वो मेरा दिल तो नहीं था डालने का, लेकिन रेसिपी में था कि डालनी, और जब मैंने डाली तो वो प्रॉपर टेस्ट ही चेंज हो गया था उस जो खाना बन रहा था उसका। तो फिर भी यहाँ पर मैंने लगभग तकरीबन ऑलमोस्ट 1/2 कप डाला था ऑयल, ऑयल डालने के बाद हम इसको भून रहे थे। अभी भी मैं इसमें से टमाटर ही निकाल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ये वाली रेसिपी मत ट्राई करें, अंकल ने मेरे साथ बेवफाई कर दी है बहुत ज़्यादा, टमाटर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एनीवेज इसके बाद यहाँ पर मम्मा को ट्राई करवाने की कोशिश करी थी कि किसी तरह वो बता दें मम्मा इसमें सही है कि नहीं है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, और मुझे फिर खैर मेरी मम्मा को ट्राई करवाया एंड मामा सेट के मिर्चें जो हैं वो कम है, नमक भी कम है, लेकिन नमक तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो मिर्चें डाल लो। तो मैंने मिर्चें डाल ली थी इसमें 1 स्पून, पता नहीं बोला क्लिप कहाँ है। देन आई विल ऐड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रीम, उन्होंने योगर्ट और क्रीम डाली थी अंकल ने, बट आई विल बी एडिंग क्रीम ओनली बिकॉज योगर्ट था नहीं।